हेलो डियर स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है न्याय। न्याय मीन्स के सबसे पहले तो न्याय मीन्स के जस्टिस। ये एक कहानी के द्वारा प्रकट किया गया है। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपने सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। तो इस कहानी में चातुर्य की एक बात है। दो मित्र है, एक मित्र है वो अपनी यात्रा पर जाता है, तो दूसरे मित्र के यहाँ वे सोने की मोहरे रखकर तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है और वे वापस आता है तो मोहरे नहीं मिलती और वह किससे फरियाद करता है? काजी की अदालत में। फिर अंत में मीन्स के लास्ट में क्या होता है? हसन नाम का एक लड़का है वो अपनी बुद्धि और चतुराई से न्याय करके जो अली ख्वाजा था उसको मोहरे वापस दिलाता है। तो आइए इस पाठ में हम देखें इस कहानी में कि क्या छोटे से बच्चे की झलक रौनक है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमता की एक झलक देती है। तो बच्चों, अदालत है वह किसी झगड़े का अगर निर्णय करना है, निपटाना है, तो वह पक्के समय और सबूतों के पर ध्यान देती है। सही समय पर सबूत न मिलने पर वह सही न्याय नहीं दे पाती है। ऐसे मामलों में सूझबूझ का काम करती है। इस कहानी में एक हसन नाम का लड़का है वह एक व्यापारी को सही न्याय दिलाता है। तो आइए अब हम देखें आगे। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। पुराने मीन्स के कई साल पहले की ये बात है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। उसमें एक अली ख्वाजा नाम का एक व्यापारी था, वे रहता था। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरा इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। क्या हुआ? उसने व्यापार करते करते 1000 सोने की मोहरे इकट्ठी कर ली। फिर उसने कहाँ पर जाने का निर्णय किया था? मक्का शरीफ की यात्रा। सब लोग अपने अपने धर्म को रिलेटिव होते और यात्रा करने के लिए जाता है। यात्रा मीन्स की कोई सबका अलग अलग धर्म होता है, वैसे ही उसकी पवित्र यात्रा होती है। चूँकि वह अकेला रहता था, अली ख्वाजा था वो अकेला ही था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली। उसने क्या किया? वह अकेला तो था, फिर उसने अपनी जमा पूंजी थी मीन्स की उसमें से थोड़ी जो सोने की मोहरे थी वो 500 थी वो उसने अलग रख ली, और 500 जो बची हुई थी वो फिर एक घड़े में बची हुई मोहरे डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रहकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा, आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उस स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गए। क्या होता है कि जो मोहरे बची हुई थी वो एक तेल के घड़े में डालकर उसमें भर देता है और पड़ोस में ही उसका मित्र कौन रहता है? अली ख्वाजा का मित्र वाजिद को के घर वहाँ यह तेल का घड़ा रखने जाता है। और वे अली ख्वाजा क्या कहते हैं कि मैं जब मक्का से लौटूंगा तो मैं वापस ले जा लूँगा। तो वाजिद अपने तहखाना मीन्स क्या होता है पता है आपको? जमीन के अंदर जो अंडरग्राउंड कमरा होता है ना, उसे तहखाना बोलते थे पहले के समय में, और पहले के समय में ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही मकान थे। और वह तहखाने की चाबी वाजिद है वो अली ख्वाजा का देता है और अली ख्वाजा है वो अपना घड़ा वहीं रख देता है। और फिर जब आप आइए तब आप उसी स्थान से ही ले लीजिए, मीन्स कि जहाँ पर आपने रखा है वहीं से ही अपना घड़ा ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया।
अली ख्वाजा ने क्या किया, वाजिद के घर एक तहखाने में अपनी 500 सोने की मोहरे थी वो तेल के घड़े में डालकर वहाँ पर रखा है और फिर वे यात्रा के लिए निकल गए। एक दिन वाजिद के घर दावत थी, तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था, वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी, तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए, इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। एक दिन वाजिद के घर क्या था, दावत थी और ढेर सारे तरह तरह के पकवान बनाए थे, तो पकवान बनाने के समय क्या हुआ कि तेल खत्म हो गया था। बनाते फिर रात का समय था, रात को तो दुकान बंद रहती है। फिर वाजिद की बीवी सिर खुजलाने लगे, मीन्स कि उसे कुछ समझ ना आए कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे अचानक किसकी याद आ जाती है, जो अली ख्वाजा ने घड़ा वो तहखाने में रखा था वो तेल भरा हुआ, वही उसे याद आती है और वे वाजिद से क्या कहती है कि उसमें से थोड़ा तेल निकाल लाइए, कि कल सुबह ही होगी तो हम नया तेल दूसरा लाकर उस घड़े में भर देंगे। कोई अली ख्वाजा है वो आज रात तो आएंगे नहीं और वे तेल तो आज आकर ही मांगेंगे नहीं। देखिए बच्चों, इस चित्र में वाजिद दिखाई दे रहा है, तहखाने में घड़े तेल का रखा हुआ है और पास में दो बर्तन है। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया, जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने तब लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसने लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन। बीवी की बात सुनकर वाजिद ने क्या कहा, तहखाने में जाता है वे और घड़े की सील मीन्स कि हम कोई दुकान से कोई चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि लिक्विड जैसा होता है, तो जैसे कि घी, तेल, फिर ऐसी कई लिक्विड वाली चीज़ें होती है, उसको ऊपर सील लगा हुआ रहता है, उसे सील बोलते हैं। वैसे ही अली ख्वाजा ने भी उसे घड़े के ऊपर सील लगा दिया था। तो वाजिद ने क्या किया, उस सील को निकाला। फिर जैसे ही वो दूसरे बर्तन भी साथ में लाया था, ताकि इस घड़े में से वो उस घड़े में तेल डाल दे। जैसे ही वे एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में निकालने लगा, तब उसे नीचे कुछ है ऐसा दुख दिखाई देता है, इसलिए वे दूसरे बर्तन भी देखो यहाँ चित्र में लाया है। दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया, उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरे थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया, उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। उसने क्या किया, तेल निकालने लगा तो उसे कुछ नीचे दिखाई दिया, तो उसने जो दूसरा बर्तन था तो तेल वाला बर्तन में उसने उसमें निकाल दिया। फिर नीचे देखा तो 500 सोने की मोहरे थी, वे उसने मोहरे निकाल कर कहाँ छुपा कर रख दी, अपनी तिजोरी में, और तेल लाकर अपनी बीवी को दे दिया। फिर दूसरे दिन वाजिद ने क्या किया, उसने बाजार से नया तेल लाया, फिर घड़े में भर दिया और सील बंद करके जैसे अली ख्वाजा छोड़कर गए थे वैसे ही उसने उसके जैसा ही वाजिद ने भी कर दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। अब कई दिन हो गए उसके बाद में अली ख्वाजा मक्का की यात्रा करने गए थे, वे वापस घर आए। घर में अपना सामान रख कर वो सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। तो जैसे ही वे वापस आया तो उसने क्या किया, अली ख्वाजा ने अपना सामान है वो अपने घर पर रख दिया और डायरेक्टली वे किसके कहाँ पर जाता है, वाजिद के घर, जहाँ पर उसने वो तेल का घड़ा और सोने की मोहरे रखी थी। फिर वो वाजिद के घर जाकर यात्रा की सारी बातें भी बताता है
और तेल का घड़ा लेकर अपने घर आता है। जैसे ही वो अपने घर आता है और देखता है तो उसे पैरों तले जमीन खिसक गई, मीन्स कि उसे आघात लगा और वह सिर पकड़कर बैठ गया कि अब क्या किया जाए। वह सोचने लगता है क्योंकि उसमें तो एक भी सोने की मोहर थी। तो बच्चों पहले अभी तो आज के समय में तो जो कुछ भी पैसे होते हैं जैसे कि गहने होते हैं तो वो हम बैंक में लॉकर होता है तो उसमें रख देते थे, लेकिन पहले के समय में ऐसी बैंक पैसे के लॉकर ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए सब अपने तहखाने में ही सभी चीज़ें या तो तिजोरी में ही छुपा कर रखते थे। वह उल्टे पाँव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे मांगने लगा। उल्टे पाँव मीन्स कि जैसे ही वो अपने घर आया था वैसे ही पैरों वही पैर से ही वो पाँव वापस चला गया, मीन्स कि दो मिनट भी अपने घर में रुका नहीं, उसे बोलते हैं उल्टा पाँव। वाजिद ने कहा कि सिलबन तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहाँ आप रख कर गए थे। वाजिद क्या कहता है कि अली ख्वाजा को कि आपने जहाँ पर घड़ा रखा था वहीं पर से ही तो आपने लिया है, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। देखो वाजिद कितना झूठ बोलता है। वाजिद क्या कहता है कि मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, तो बट असलियत में तो वाजिद ने क्या किया था बच्चों, उसी घड़े में से तेल भी निकाल लिया था और सोने की मोहरे भी निकाल ली थी। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरे थी, अभी भी वाजिद झूठ बोल रहा है। वे क्या कहता है कि मैं उसमें कैसे मानूँ कि उसमें सोने की मोहरे थी। दोनों मित्र में कहा सुने होने लगे, दोनों मित्रों में क्या हो गया कहा सुने मीन्स कि आपस में बातों की लड़ाई होने लगे। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। जैसे ही अली ख्वाजा और ये वाजिद है वो दोनों में जो बातों की लड़ाई होने लगी तो जो आसपास लोग थे वो सब इकट्ठा हो गए, मीन्स कि सब साथ में उधर देखने के लिए आ गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। उन्होंने क्या कहा, जो ये बढ़ता हुए झगड़ा दोनों की बातें हो रही थी तो वे क्या कहता है कि आप काजी की अदालत में जाइए। सभी लोग अली ख्वाजा को ऐसी राय देते हैं, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। क्या हुआ, ख्वाजा ने काजी की अदालत में तो गए अपनी बात भी बताई लेकिन कुछ उसके पास तो सबूत नहीं था, मीन्स के कुछ प्रूफ नहीं था, तो वो कैसे बताते कि इसने ही उसका सोने मोहरे ली है। इसलिए वे अली ख्वाजा वापस वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। फिर उसने क्या किया, बगदाद के वहाँ खलीफा होते हैं, जैसे पहले के समय में क्या होता था राजा थे वे सब न्याय करते थे, वे और कुछ भी बात होती है तो वो सबूत के दौरान सही है या गलत है बताई जाती है। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रख्यात हो गया था। अली ख्वाजा थे वो खलीफा के पास गए और वो अपने बात बताता है और न्याय के लिए वे अपील करता है। अपील मीन्स कि जो भी हुआ था वही हुआ निवेदन करता। तो बदले में खलीफा ने क्या किया कि हाँ मुझे कुछ समय चाहिए उसके बाद में मैं आपको न्याय दूंगा। कुछ समय के लिए एक सप्ताह मीन्स कि 1 वीक। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा तो अब प्रख्यात हो गया था क्योंकि सभी लोग जानते थे। देखिए खलीफा का दरबार है, फिर यहाँ पर तेली है, वाजिद है, अली ख्वाजा है। अब देखेंगे हम आगे कि ये चित्र में तो यह दिया है, अब चित्र के माध्यम से भी कुछ हम जान सकते हैं, वैसे ही अब हम कहानी पढ़ेंगे। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा थे वो एक दिन अपना भेष की राजा होता है वो तो देखते ही पता चल जाता है कि ये राजा है क्योंकि उसका जो भेष होता है वैसा ही होता है, लेकिन उसने क्या किया अपने जो पहरवेश थे उसको चेंज कर दिया, जैसे कि आम लोग होते हैं वैसा ही उसने कर दिया और वे शहर में घूम रहे थे।
मीन्स कि राजा होता है ना, वो अपनी प्रजा का रक्षा करता है, इसलिए कभी भी कहीं भी जगह वो अपना वेश बदल कर घूमते हैं ताकि सही बात का पता चले। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। उसने क्या देखा, कुछ लड़के क्या कर रहे थे, न्यायालय मीन्स कि वो जो जस्टिस करने वाला होता है ना, वैसा खेल बच्चे खेल रहे थे। वह छिप कर उनका खेल देखने लगे। वो खलीफा ने क्या किया, वे एक जगह छिप गए और उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। उसने क्या देखा कि जो एक लड़का न्यायाधीश बना है वो बड़ा ही समझदार होता है। जैसे बच्चों, आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें चार पांच लोग होते हैं, उसमें एक ग्रुप लीडर होता है, जैसे कि वो कुछ भी सही गलत है किस तरह से है वो जो सब रूल्स रेगुलेशन बताता है, वही ग्रुप, आप ग्रुप में गेम खेलते हो ना, तो वो लड़का जो होता है वो बड़ा समझदार होता है। जैसे ही ये लोग जो लड़के खेल रहे हैं उसमें एक लड़का जो न्यायाधीश बना है वो बड़ा ही समझदार है और वह न्याय कर रहा है कैसा, बिल्कुल ठीक, मीन्स कि सही को सही और गलत को गलत साबित करने के। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। वे क्या कहता है कि मैंने ये तुम्हारा खेल देखा, फिर मुझे आप और उनका नाम पूछा तो उसने क्या बताया कि मेरा नाम तो हसन है और खलीफा ने वह खेल देखा तो उन्हें भी समझ में आ गया कि ये लड़का तो बहुत समझदार है, मीन्स कि बहुत जानता पहचानता है सब कुछ। और उसे कहाँ पर बुलाया, खलीफा के दरबार में। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। अगले दिन क्या किया, खलीफा ने हसन को बुलाया था, फिर अली ख्वाजा वाजिद और हसन सभी उपस्थित हुए थे। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनाओ और बताओ, इन दोनों की बात सुनो और फिर तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। हसन ने क्या किया, उन दोनों की बात थी वो बहुत ध्यान से सुनी। अगर हमें कोई बात को समझना है तो सबसे पहले हमें उन पर बहुत ध्यान देना है। अगर हम ध्यान देंगे तभी वे बात हमारी समझ में आएगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगी। फिर उसने दो तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में दो तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ने दोनों की बात सुनी, किसकी बात, अली ख्वाजा और वाजिद की। फिर उसने क्या कहा हसन ने कि दो तेलियों को बुलाइए। तेलियों मीन्स पता है, जो तेल की जांच करता है, परख करता है, उसे तेलियों कहे थे। तेलियों मीन्स की जो तेल निकालता है उसे, और वही परख भी वही करता है। थोड़ी देर में दो तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ने क्या कहा कि आपको ये घड़ा है उनकी जांच करनी है, जांच मीन्स की तपास करनी है कि वह घड़े में तेल कितना पुराना है कितना नया है। वो दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। दोनों तेलियों ने क्या किया, बारी बारी मीन्स की एक के बाद में एक ने तेल को देखा, फिर सूंघा और फिर चखा, मीन्स की टेस्ट किया, फिर अपना निर्णय दिया। उसने कोई भी व्यापारी होता है तो वो जो चीज़ें बेचता है वो देखने के बाद, उसे टेस्ट करने के बाद और उसे सूंघने से उसको पता चल जाता है
कि ये नया है या पुराना है। तो वैसे ही इन तेलियों ने भी वही काम किया। घड़े का तेल तो कितना लगा, सिर्फ 2 महीने पुराना है। इस बात से तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इससे ज़्यादा वे तेली कुछ नहीं बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया, क्योंकि वाजिद को पता तो चल गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। अली ख्वाजा क्या बोले कि मैं तो 6 महीने से मक्का की यात्रा करने गया था और तभी तेल खरीदा था, तो ये तेल तो 2 महीने पुराना है। तो कैसे अली ख्वाजा झूठ बोलते हैं वैसा पता चलेगा, क्योंकि इस बात से तो पता चल गया कि वाजिद ही झूठ बोल रहा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर वास्तविकता मीन्स की सच्चाई का पता चल गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा थे, उसको तो न्याय चाहिए था और उनके न्याय के लिए ये सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए, चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। क्या हुआ, अब सही था वो सही हो गया और गलत था वो गलत हो गया। अब न्याय मिल गया अली ख्वाजा को। और वाजिद को क्या किया, हसन को धन्यवाद दिया, क्योंकि वे एक छोटा सा बच्चा होकर भी उसने सही न्याय दिया। और वाजिद को क्या किया कि अली ख्वाजा की घड़े से तेल निकाला था और वो मोहरे थी वो उसे वापस देनी है, और उस पर कैसी उसे कैसी सजा मिली, चोरी और विश्वासघात की, क्योंकि उसने चोरी भी की और अपने मित्र के साथ उसने विश्वासघात किया। तो बच्चों हमें जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और किसी के साथ ना ही विश्वासघात करना चाहिए। अगर कुछ भी झूठ है तो उसे झूठ ही बता देना चाहिए, उसमें कोई नहीं तो आपको आज नहीं तो कल सही बात का तो पता चल जाएगा। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की पूरी पूरी प्रशंसा की। खलीफा ने क्या किया, दरबार में सभी लोगों थे वो मिलकर सबने हसन की सूझबूझ में, इनकी इतनी छोटी सी उम्र में उसने बहुत अच्छा सा न्याय किया और पूरी पूरी प्रशंसा की। तो बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी चोरी भी नहीं करनी चाहिए और न ही अपने मित्र के साथ विश्वासघात करना चाहिए, और हमें एक अच्छा इंसान बनकर रहना चाहिए। तो अब हम देखेंगे, ये था हसन की सूझबूझ का न्याय। अब देखेंगे आगे, यहाँ पर कई शब्दार्थ दिए हैं, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना भी है और लर्न भी करना है। फिर मुहावरे है, और मुहावरे का अर्थ है मीन्स कि सिर खुजल जाना, तो सोचना और समझ न पाना कि क्या किया जाए। कभी कभी हमारी हालत भी ऐसी हो जाती है कि सिर खुजलना मीन्स कि क्या किया जाए, पैरों तले ज़मीन खिसक जाना मीन्स कि आघात लगना, कहा सुनी होना मीन्स कि बातों की लड़ाई होना, और सीढ़ पकड़ कर बैठ जाना मीन्स कि निराश हो जाना। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी बच्चों, कि तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न दे, इसलिए अली ख्वाजा ने उसमें छुपाई होगी। मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, मीन्स कि अच्छा, विश्वास और सच्चाई भरा हमें अपने मित्र के साथ व्यवहार करना चाहिए। कभी उसके साथ हमें गद्दारी भी नहीं करनी चाहिए और बेईमानी भी नहीं करनी चाहिए। वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते, हम वाजिद की जगह होते तो कभी अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं करते, और हसन की जगह होते तो उसी तरह न्यायपूर्ण कार्य करते और अली ख्वाजा को न्याय दिलाते।
चलो इसके बाद में देखेंगे स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? तो वाजिद ने क्या किया था कि जब उसने घड़े की सील तोड़कर उसने तेल निकालने लगा तब क्या हुआ, सिक्कों की आवाज़ आई। तो उसने क्या किया कि तेल के नीचे कुछ है उसे ऐसा लगा, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में तेल निकाल दिया। इस तरह से वाजिद को बर्तन में मोहरे है ऐसा पता चला। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? बच्चों, क्योंकि वाजिद ने अली ख्वाजा के से अली ख्वाजा ने जो तेल का घड़ा दिया था उसमें से उसने मोहरे निकाल ली थी, और ख्वाजा ने यात्रा से लौट कर आए तो अपना घड़ा देखा कि घड़े में तो कुछ नहीं था। जब उसने वाजिद से पूछा तो वाजिद ने तो डायरेक्टली मना ही कर दिया था कि मैंने तो कुछ नहीं लिया, चुराने वाली बात से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया, इसलिए उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया था? तो खलीफा थे वो एक दिन भेष बदल कर वे शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़के न्यायालय वाला खेल खेल रहे थे। वे देखा और उन्हें लगा कि ये जो लड़का है वो न्यायाधीश बना है, वो बहुत ही समझदार है, उसको ये जो न्याय करने की पद्धति थी वो उन्हें बहुत अच्छी लगी, इसलिए उसने वाजिद और अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े के न्याय के लिए ताकि वही उसको सुलझा सके, और उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया था। क्वेश्चन 4, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? क्योंकि तेलियों ने तो तेल को देखा, चखा और सूंघा, फिर वह उसने उन्हें तो बताया कि यह तेल तो 2 महीने पुराना है, बट कि ख्वाजा अली ख्वाजा तो 6 महीने पहले ही चले गए थे। तो इससे साबित हो गया कि वो जो सोने की मोहरे थी वो तो वाजिद ने ही निकाली, उसकी वजह से वह तेलियों की बात को सुनकर उसको पता चल गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए वे घबरा गए। तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेलियों ने क्या किया, उनकी अच्छी तरह से परख की, देखा, सूंघा और चखा, फिर बताया कि ये तेल तो 2 महीने पुराना है। तो तेल की गंध, स्वाद की पहचान से तेलियों ने अपना सच्चा निर्णय बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? हसन के सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया, इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने अली ख्वाजा की मोहरे वापस करने का आदेश दिया, और उसके साथ वाजिद ने अपने मित्र के साथ विश्वासघात और अपराध के लिए सजा सुनाई, और खलीफा ने बुद्धिमान न्याय की प्रशंसा की। चलो निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है? चलो ये बच्चों, तो ये तो लेसन अगर आप अच्छे से रीड करेंगे समझेंगे तभी आपको ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपने अगर चैप्टर रीड किया है तो यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रहकर जाना चाहता हूँ, ये कौन कहता है? अली ख्वाजा है वो वाजिद से कहते हैं। आप अपना घड़ा तो खाने में रख आइए, तो वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। आप काजी की अदालत में जाइए, सभी लोगों ने क्या किया? अली ख्वाजा से किया। आप इस घड़े की जांच कीजिए, ये वाक्य कौन किससे कहता है? हसन है वो तेलियों से कहता है। 5, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, अली ख्वाजा खलीफा से कहते हैं। चलो यहाँ पर कई एक्सरसाइज दी है वो हमें नोटबुक में नहीं करनी है, यहाँ पर एक कहानी दी गई है, तो बच्चों यह कहानी आपको रीड करना है और फिर उसके बाद में आपको घर में बताना है कि ये कौन सी कहानी है, क्योंकि ये कहानी हम क्लास के दौरान भी बताई गई है और हमने 5th स्टैंडर्ड में भी ये कहानी पढ़ी थी। तो बच्चे चित्र देखकर तो आपको पता चल जाता है कि ये कहानी है, और एक शेर और चूहा की, फिर शेर जाल में फंस जाता है, फिर चूहे अपने तेज दांतों से निकाल देता है, फिर कौन किसका धन्यवाद मानता है? तो ये तो आप जानते ही होंगे बच्चों। चलो अब देखेंगे आगे,
यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर लिखिए, अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर हमें क्या फाइन करना है? क्रियावाचक शब्द। तो सबसे पहले देखें कि राधा ने संजीव को पत्र लिखा। राधा ने किसको पत्र लिखा? तो यहाँ हमें ये क्रिया वाला है वो बहुत अच्छी तरह से समझा जाता है, क्योंकि लिखा है वो क्रिया है। क्रिया मीन्स कि कोई भी कार्य करने का बोध करवाए वही। फिर सेकंड, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो क्या आएगी इसमें क्रिया बच्चों? सुनाई। फिर रात को कुत्ते भौंक रहे थे, तो क्या आएगा? भौंक रहे थे। फिर थर्ड, वह फटाके देख रहा है, तो क्या आएगा? देख रहा है। वेदांत किताब पढ़ रहा है, तो वेदांत क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया, तो क्रिया क्या हुई? कि वे चला गया। आकाश में पतंग उड़ रही है, तो क्या आएगा? उड़ रही है। चलिए कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। ये बहुत ही अच्छा सा एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया है। ये कहानी है, हमें उचित शीर्षक देना है और हमें यही में से प्रश्नों भी हमें निर्माण करना है, मीन्स कि क्वेश्चन भी हमें फाइंड करना है और आंसर भी हमें ही खोजना है। तो कई बार हम देखते हैं कि प्रश्न तो ऑलरेडी दिया जाता है और सिर्फ हमें आंसर ढूंढना है, लेकिन यहाँ पर हमको प्रश्न भी खुद से बनाना है और प्रश्नों के उत्तर भी हमें इसी में से ही बनाना है। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, बहुत ही मज़ा आएगा। चलो, एक बार राजा कृष्णदेव राय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। एक बार की बात है, राजा था, उनका नाम क्या था? कृष्णदेव राय का महल था। राजा होते हैं उनके यहाँ ढेर सारे सेवक होते हैं, तो उसमें से एक सेवक था वो कांच का मोर था। कांच मीन्स की ग्लास का खूबसूरत, बहुत ही सुंदर मोर था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। क्या हो जाता है? वो सेवक है वो साफ करता है और उसके हाथ से मोर गिरकर टूट जाता है। राजा का वह मोर बहुत प्रिय था, लेकिन जो टूटा हुआ वो सेवक से टूट गया, वही मोर किसको बहुत प्रिय था? राजा को। इसलिए गुस्सा तो हो गया ही राजा। जब राजा महल में आए, उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया। राजा तो महल में आए पर उसका अपना प्रिय था, मीन्स की फेवरेट था, वो मोर दिखाई न दिया। और पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। राजा गुस्से में आ जाते हैं और वे कहते हैं कि उसी सेवक को कौन कैसी सजा दी, उसने 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय मंत्री तेनालीराम और दूसरे दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने निकले। कुछ दिनों के बाद राजा कृष्णदेव राय मंत्री तेनालीराम और उसके कुछ साथ में दरबारियों थे, वे एक उद्यान मीन्स की बगीचे में घूमने निकले। तेनालीराम बोले, महाराज पास ही बाल उद्यान है, उसे भी देखते हैं। ये क्या कहा? छोटे बच्चों का बगीचा है, वहाँ भी हम चले। राजा कृष्णदेव राय बाल उद्यान की ओर आए। राजा कृष्णदेव थे वे तो उधर गए। उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिले हुए थे। उद्यान में क्या थे? रंग बिरंगी फूल, क्योंकि अगर हम गार्डन में जाएंगे बगीचे में तो तरह तरह के फूल, पेड़ पौधे, सभी चीज़ें बहुत सुंदर दिखती है। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। उस दरमियान क्या होता है? वहीं पर सब बच्चे थे, वो एक नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था, उसमें जैसे हमने आगे कहानी पढ़ी हसन था वो न्यायाधीश बना था, वैसे ही यहाँ पर भी एक बच्चा है वो राजा बना हुआ है। उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे।
खेत के मालिक ने शिकायत की, महाराज आप यह मेरे खेत से गाजर मूली उखाड़कर ले गया। सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा, उसने क्या किया, सिपाही है वो एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे उधर, और खेत के मालिक ने क्या कहा, उसने कहा कि मेरे खेत से जो गाजर और मूली है वो उसने उखाड़ कर ले गया। फिर सुनकर राजा क्या कहते हैं, जो राजा बना हुआ बच्चा था उसने चोरी करने वाले से पूछा कि उसने अपनी गलती मान ली, तब वह बोला ठीक है तुम्हें माफ़ी दी जाती है। क्या किया, उसने गलती की ही थी तो उसने बता दिया कि हाँ मेरी गलती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती ना हो। देखो बच्चों कि उसने जो गलती की थी वह उसने बता दी, सही बोल दिया, पर सामने से उसने क्या कहा कि जो गलती आपसे एक बार हो वह दोबारा न हो। तो बच्चों आपको भी ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको वह घर में सही बता देना है, घर है बाहर है कहीं भी जगह गए हो आपको सही बता देना है, झूठ नहीं बोलना है, और उसके बाद में कभी भी वही गलती आपसे वापस दोबारा न हो, यही बात का ध्यान रखना है। फिर खेत के मालिक से कहा तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दें। खेत का मालिक क्या कहता है कि तुम्हारे नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी, शाही खजाने, पहले के समय में राजा का खजाना होता था उनमें से की जाएगी, लेकिन पहली गलती मीन्स कि आपने पहली बार ही गलती की है तो हम भी उसे कैसे सजा दे सकते हैं, पहली गलती तो सबकी माफ़ की जाती है। नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज यह बच्चा तो बड़ा शरारती है। ये नाटक देखने के बाद में मंत्री क्या कहता है कि महाराज ये बच्चा जो है वो तो बहुत ही शरारती थे, क्योंकि ये सब जो आपने सुना वो तो एक नाटक ही बच्चे कर रहे थे, इसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज मेरे विचार से सजा यही हो कि इसे रात दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने का कहा जाए। तेनालीराम क्या कहते हैं कि हाँ महाराज कि मेरे विचार तो यही है कि ये जो जैसा ही नाटक किया वही नाटक उसको कहाँ पर करना है, राज दरबार में, ताकि सभी देखें और सभी को इस बात का पता चल जाए। नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए, तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। यह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए, नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय तो सोच में पड़ गए, और तेनालीराम की बुद्धि, तेनालीराम की चतुराई मीन्स कि उसने बहुत ही अच्छे से उसको समझा और देखा, वे मन ही मन मुस्कुराने लगे मीन्स कि मंदहास्य के साथ। फिर यह देखकर मंत्री था वो असमंजस में पड़ गए मीन्स कि क्या किया जाए। उसके बाद राजा कृष्णदेव राय बोले, सचमुच तेनालीराम तुमने ठीक कहा है। तेनालीराम से क्या कहा है कि वे सही है। आज्ञा, आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। क्या हुआ कि न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए, बच्चे जैसा एकदम निर्मल होना चाहिए, किसी की तरह गलत भी नहीं होना चाहिए और सही भी नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें कि छोटा बच्चा होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो उसने चाहे तोड़ दिया है, घर में भी कुछ नुकसान किया है, बाहर भी किसी बच्चों को मारा है, फिर भी वो आकर सही ही बोलेगा कि क्या, फिर भी वो सही बोलता है कि मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, मीन्स कि उसका मन है वो एकदम निर्मल होता है, क्योंकि उसे किसी का डर नहीं होता है। अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया, क्योंकि वो सेवक थे उनसे तो पहली बार ही मोर का काज टूटा था, तो पहली गलती पे सजा कैसे दे सकते हैं। तो बच्चों अब हम प्रश्नों को देखें कि सेवक से कौन सा अपराध हुआ था, तो सेवक से क्या हुआ था बच्चों, सेवक से राजा का जो मोर था काज का वो टूट गया था। फिर राजा ने सेवक को क्या दिया था कि 6 महीने के लिए उसे कारागार में डाल दिया,
फिर बाल उद्यान में बच्चे क्या कर रहे थे? तो बाल उद्यान में बच्चे खेल खल कर रहे थे। तेनालीराम राजा कृष्णदेव को बाल उद्यान में क्यों ले गए? क्योंकि वे उन्हें समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए, बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। क्योंकि पहले तो राजा ने सेवक को बिना सोचे समझे ही उसने 6 महीने के लिए कारावास में डाल दिया था, क्योंकि वो राजा का प्रिय मोर था इसलिए। बट हमेशा न्याय करते समय राजा का मन एकदम निर्मल होना चाहिए। तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे? कि जो बाल उद्यान में नाटक किया था वही उसको वापस राज दरबार में किया जाए, ताकि सभी लोगों को इस बात का ज्ञान हो और पता भी चले। न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए बच्चों? इसका आंसर तो अब आपको समझ ही आ गया होगा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा एकदम निर्मल होना चाहिए। राजा ने सेवक को क्यों रिहा करवा दिया? क्योंकि पहली गलती पर कैसे सजा दिया जाए, पहली बार तो मामूली अपराध किया था। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 6 कंप्लीट होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर से कुछ सीख मिली होंगी, जैसे कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही बात का हमें पता चलना चाहिए, और बिना सोचे समझे कभी हमें दूसरों पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और हमें वाजिद और अली ख्वाजा को लेकर देखा तो जैसे वाजिद ने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया, कैसे कि कभी भी हमें अपने मित्र के साथ या तो कोई भी इंसान के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। और यही इसमें जो प्रश्नार्थ कौन किससे कहता है, मुहावरे, ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।